चलते हैं रायपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी रायपुर में फिर उठाईगिरी का मामला सामने आया है। वीआईपी रोड में निरंजन धर्मशाला में शादी के दौरान उठाईगिरी की वारदात हुई है। स्टेज पर रखा सोने चांदी के जेवरों से भरा बैग चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है। तेलीबांधा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर उठाईगिरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है और शादी समारोह के दौरान ये उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं रायपुर से। उठाईगिरी का मामला एक बार फिर सामने आया है। स्टेज पर रखा सोने चांदी से भरा बैग गायब कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ रहे हैं। हसन, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में, बताएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से राजधानी रायपुर में इन दिनों शादी समारोह में उठाईगिरी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात करें, बीते 20 दिनों में लगभग 4 उठाईगिरी जो है शादी समारोह में हो गई और अब तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। यह मामला जो है कल देर रात का बताया जा रहा है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित जो निरंजन धर्मशाला है, वहां पर एक शादी समारोह के दौरान जो है सोने चांदी और कैश से भरा बैग जो है 3 लोगों द्वारा जो है वहां से पार कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को मालूम चलने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस मौके पर तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंची और 3 संदेहियों को यहां पर फिलहाल हिरासत में जो है वो लिया गया। उनसे पूछताछ जो जारी है, हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया कि ये किस गिरोह के सदस्य हैं। कुल मिलाकर के देखें तो इन दिनों जो उठाईगिरी के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें रायपुर पुलिस रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम है, क्योंकि पुलिस की विशेष टीम भी जो है मध्य प्रदेश रवाना की गई थी राजगढ़, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि लोकल पुलिस का जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते जो उठाईगिरी के मामले वो लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन, तमाम जानकारी के लिए। तो हसन बता रहे थे कि रायपुर में आए दिन उठाईगिरी के मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और तमाम जानकारी जो है उन्होंने इस मामले पर हमें दी है।